गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट अबाउट रेजोनेंस कंडीशन। तो आपके सामने देखो, मैंने एक टीचिंग एड बनाई है, इसके अंदर देखो थ्रेड है और कई पेंडुलम्स मैंने सस्पेंड कर रखे हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीन पेंडुलम्स की लेंथ लगभग सेम है, इन दोनों पेंडुलम का मास सेम है, इस पेंडुलम का मास डिफरेंट है बट तीनों की लेंथ सेम है। और वहीं ये वाला पेंडुलम एंड ये वाला पेंडुलम, इन दोनों की लेंथ सेम है बट दोनों का मास डिफरेंट है। और ये तो लेंथ में भी मास सेम है लेकिन लेंथ में सबसे डिफरेंट है। तो रेजोनेंस को हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं बिकॉज इन तीनों की लेंथ सेम है। हमें पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। मास पे डिपेंड करता नहीं है, इसलिए इसका इसका एंड इसका, इन तीनों पेंडुलम्स का टाइम पीरियड लगभग सेम होगा बिकॉज तीनों की लेंथ सेम है। और अगर टाइम पीरियड सेम है तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या रहने वाली है, तीनों की सेम, और इनकी फ्रीक्वेंसी इनसे अलग रहेगी। और वहीं ये दोनों पेंडुलम है, इनकी लेंथ सेम है तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, लगभग सेम। अब रेजोनेंस के अंदर आप सब ने पढ़ा हुआ है कि अगर जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी से या जो वेव जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो जो वेव्स या ऑसिलेशन जो भी आप बोलोगे जनरेट होंगे उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो अभी इसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी करने वाले हैं। तो देखो मैं कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ध्यान से देखना। अभी तीनों के अंदर लगभग कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं एम्पलीट्यूड देगा क्योंकि मैं इसको सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। आप सबको पता ही है कि सिंपल पेंडुलम तब तक सिंपल पेंडुलम है जब तक उसके ऑसिलेशंस बहुत स्मॉल है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो इसकी एनर्जी सभी पेंडुलम्स को ट्रांसफ़र होगी, कौन सा पेंडुलम सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले ऑसिलेशंस करेगा, मन में सोचो, कमेंट करो, अभी चेक करना कि क्या होता है। 1 2 3 स्टार्ट। देखो ये पेंडुलम जिसको मैंने डिस्टर्ब किया है ऑसिलेट कर रहा है, इसकी एनर्जी सभी पेंडुलम्स की तरफ पहुंच रही है, सभी में धीरे धीरे कुछ ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन तुम देखो, आप लोग ये देखो, इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा एम्पलीट्यूड है, इसके अंदर भी थोड़ा सा एम्पलीट्यूड है और इस वाले के अंदर तो बिल्कुल छोटा सा एम्पलीट्यूड है, बहुत धीरे धीरे ये बहुत कम ऑसिलेशन कर रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो ड्राइवर हमारा पेंडुलम है, इसको जब मैंने डिस्टर्ब किया इसकी एनर्जी सबके पास गई, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसने एक्वायर किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही थी। तो ये एक तरह से इन दोनों पेंडुलम्स के लिए ये पेंडुलम एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम किया, इसकी फ्रीक्वेंसी इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड शुरू हुआ, जो ऑसिलेशन शुरू हुए, उनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, सबसे अदर पेंडुलम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आ गया। एक बार दूसरे पेंडुलम्स को भी देखते हैं, इसको मैं वापस ओरिजिनल सिचुएशन में ले आता हूँ, इनकी डिस्टर्बेंस ख़त्म कर देते हैं, दूसरे पेंडुलम को डिस्टर्ब करके देखते हैं। अच्छा भाई, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पेंडुलम को डिस्टर्ब करके देखता हूँ, फिर देखते हैं किसके अंदर बड़े ऑसिलेशन ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले जनरेट होते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। देखो सभी ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है, कुछ देर के लिए वेट करेंगे, देखते हैं कि किसके अंदर बड़े ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं। ध्यान से देखो, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ये भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इस वाले पेंडुलम को ध्यान से देखो आप, इसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा है दूसरे इन तीनों से और इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इस वाले पेंडुलम की और इस वाले पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो इसके अंदर जो ऑसिलेशन जनरेट हुआ वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जनरेट हुआ। तो ये रेजोनेंस इसके अंदर मतलब हमने अब डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है। और इस चीज़ से हमने ये भी सीख लिया है कि मास ऑफ पेंडुलम से फ़र्क नहीं पड़ता,
फ्रीक्वेंसी सेम करनी है तो लेंथ सेम होनी चाहिए, 2π√L/g टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2π √g/L, तो लेंथ दोनों की सेम है तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ये ड्राइवर, ये रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस के कारण मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट हो पा रहा है। तो ये रेजोनेंस को आई थिंक आपने अच्छे से फील कर लिया है। इसीलिए देखो जब भी सोल्जर्स होते हैं वो जो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, पहले वो मार्च करते हुए आते हैं लेकिन ब्रिज के ऊपर मार्च करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? बिकॉज अगर उनके पैरों की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज के अंदर जो ऑसिलेशन जनरेट होंगे उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो ब्रिज ऐसे जैसे एक चद्दर ऑसिलेट करती है वैसे ही, चाहे वो कंक्रीट का बना हुआ है, ऑसिलेट करेगा और टूट जाएगा। ऐसा हुआ भी हुआ है, आप YouTube के अंदर वीडियो भी देख सकते हो, रेजोनेंस जनरेट हुआ था, एक कंक्रीट का बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रिज था वो टूट गया था, उसके ऊपर से कार जा रही थी तो कार जाने की मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई थी, मतलब उसके ऊपर जो भी जा रहे थे उनके कारण जो भी ऑसिलेशंस थे उसकी फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई थी, जिससे ब्रिज जैसे एक पतली चादर अपने झाड़ते हैं वैसे वो डांस करता हुआ टूट गया था। तो ये रेजोनेंस थी। आई थिंक आपने डेमोन्स्ट्रेशन से रेजोनेंस को अच्छे तरह से समझ लिया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हम आगे भी करते रहेंगे। सो लर्न विद मी, फिजिक्स विल बी फन विद अनमोल धवन। थैंक यू सो मच।